ये तस्वीरें अंबाला छावनी की अंबा मार्केट की हैं, जहां एक व्यक्ति सरेआम इमारत से छलांग लगाकर अपनी जान देने के लिए तैयार नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अंबाला छावनी में नगर परिषद की टीम आज बिना नक्शे के 3 मंजिला इमारत तोड़ने के लिए पहुंची थी और इस दौरान उनके साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद था, लेकिन पुलिस और नगर परिषद की टीमों को खाली हाथ लौटना पड़ा। बता दें कि जिस वक्त नगर परिषद और पुलिस की टीमें इमारत पर कार्रवाई करने पहुंची, तो व्यक्ति इमारत से छलांग लगाकर आत्महत्या की धमकी देने लगा। इस दौरान व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य उसे समझाते हुए भी नजर आए और अंत में उन्हें समझाकर नीचे उतार लिया गया। लेकिन बता दें कि इमारत पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची टीम को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पहले भी इमारत का कुछ हिस्सा तोड़ा जा चुका है। जानकारी देते हुए नगर परिषद के अधिकारियों ने बताया कि इमारत के मालिक को 15 दिन का नोटिस दिया गया था और फिलहाल मौके की नज़ाकत को देखते हुए कार्रवाई को रोक दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में कार्रवाई जरूर की जाएगी। अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई थी इनकी, और इसमें हमारे ईओ साहब के स्पीकिंग ऑर्डर पास थे जिसमें कि अपने इसको डेमोलिश करने के, जिसके लिए हमें 15 दिन का इनको नोटिस देना था। हमने इनको प्रॉपर नोटिस, सारी कार्रवाई करने के बाद इसकी डेमोलिश करने की कार्रवाई के ऊपर हम आए हुए हैं। बस अभी लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए अभी हम रुके हुए हैं, लेकिन कार्रवाई हम पक्का करेंगे। वो तो जी ऐसे है, वो अपील में किसी के पास गए हैं, वो अपील उनकी बात भी सुनेंगे, तो कल की इनको डेट दे रखी है। वहीं जब इस बारे में सदर थाना के प्रभारी विजय कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि परिषद की तरफ से प्रोटेक्शन मांगी गई थी और पुलिस यहां पर कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहुंची है। देखिए, अब अपने कमेटी के ईओ साहब, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब यहाँ एक बिल्डिंग डिमोलिश के लिए आए थे, जिन्होंने पुलिस सहायता मिली की डिमांड की थी, उन्होंने उनको पुलिस प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड कराई है, लेकिन किसी कारण के चलते वो डिमोलिश अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है। अभी जो भी आगे की कार्रवाई रहेगी वो सब से डिस्कस करके कर दी जाएगी।